हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं। रैप बैटल देखेंगे हम। एक चैनल है सरमद राव करके, वो रैप्स बनाते हैं, चाहे पॉलिटिक्स के हों या किसी और चीज़ के हों, उससे रिलेटेड कुछ रैप बनाते हैं। इनके एक गाने पर एक वीडियो पर मैंने किया भी था, PDM वर्सेज इमरान खान करके, उस पर मैंने रिएक्ट किया हुआ है और ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी उनका एक लेटेस्ट वीडियो है पेट्रोल प्राइस हाइक जो कि बढ़े हुए हैं पाकिस्तान में, इसकी कंट्रोवर्सी या फिर आप कहें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है पाकिस्तान में, 210 रुपए को हो गया है। उसके अलावा एक और वीडियो है इमरान खान वर्सेज मरियम नवाज़ रैप बैटल, तो इन दोनों गानों को हम एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो पेट्रोल प्राइस का देखते हैं, फिर देखेंगे इमरान खान वर्सेज मरियम नवाज़। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। Rap battles by Sarmad Rao. इनकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यार मुझे 500 का पेट्रोल डलवाना है, कोई आइडिया कितना आ जाएगा? 500 में तो कुछ भी नहीं आएगा पेट्रोल, आपकी गाड़ी के फ्यूल मीटर पे भी लिखा है गलौल। ये सब मिलके लगता है कर रहे हैं हमें टोल, ना किसी के पास है सोल, ये सारे हैं एसोल्स। एक टाइम था जब 500 में घूम सकते दिन रात थे, अब घर चले जाओ 500 में, यहाँ से बड़ी बात है। बहुत बुरे हालात है, ना किसी की औकात है, सब हुक्मरानों ने मिलके दे दिया हमें पूरा हाथ है। कहते हैं पेट्रोल अभी दूसरे मुल्कों से सस्ता है, इन्हीं बातों पर तो हम पे हर कोई हंसता है। अब ऐसा मुझे लगता है ये कंट्री बचना सकता है, मुल्क की हालत खस्ता है, हर पॉलिटिशियन हकता है। अभी तो सर वेट करो, ये और ऊपर जाना है, कुछ दिन बाद आपको भी बाइक पे आ जाना है। 500 छोड़ो, 1500 में भी कुछ नहीं आना है, अब बताओ डलवाना है या ऐसे ही वापस जाना है। क्या करूं, बहुत दिनों से गाड़ी बिल्कुल खाली, स्टार्ट करूं तो गाड़ी भी अब देने लगी है गाली। एवरेज हो गया फक है, कांटा ई पर स्टक है, काम ही करना छोड़ गया अब कांटा मुझे शक है। टंकी में लगा दिए मकड़ी ने अब जाले, गाड़ी भी कहती है साले कुछ तो डलवा ले। पर क्या करें, पैसों के भी पड़े हुए लाले, ये हुक्मरानों ने छीन लिए मुंह से निवाले। एक टाइम था बहुत सस्ते में होता था फुल टैंक, अब फुल करवाएं तो खाली करना पड़ेगा बैंक। मुझे तो ये लगता है अब ऐसा वक्त आएगा, पेट्रोल जो साला गोल्ड से भी महंगा हो जाएगा। डलवाने के लिए रखना होगा ब्लैंक चेक रेडी, डलवाएगा वो ही जिसके पास हो मिलियनेयर डैडी। हम मिडिल क्लास तो पता नहीं अब कैसे जी पाएंगे, बाइक तो छोड़ो लगता है अब पैदल हो जाएंगे। इसमें थोड़ी सी ब्रूटल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई, ब्रूटल नहीं, थोड़ी सी हटके लैंग्वेज यूज़ की गई है, जैसे कि FCK वाला वर्ड था जो, और गाली, और ये चीज़ें इस्तेमाल इसलिए की गई हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है पब्लिक के अंदर, उनका फ्रस्ट्रेशन इस गाने में दिखाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड बहुत सही सही लाइन है कि हुक्मरान और ये सब कर जाएंगे, और अभी जो 500 रुपये में आप घर नहीं जा पाएंगे, वो आने वाले टाइम में 1500 में भी नहीं हो पाएगा। गाड़ी में लग गए हैं जाले, टंकी हो गई है खाली, और गाड़ी भी बोले कि कुछ तो डलवा ले। तो इस तरीके से इसमें जो लिरिक्स थे बहुत कमाल के थे, पूरा नरेशन है इस गाने के अंदर जो आजकल चल रहा है हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान में, वो सब इस गाने के अंदर है, और बहुत सही तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एक पेट्रोल पंप वाला, इन्होंने एनिमेशन बनाते हैं ये कार्टून टाइप का, तो उसी के ऊपर रैप होता है, और मतलब वो रैप बोलते हुए होते हैं जो एनिमेटेड होते हैं कैरेक्टर। इसमें एक पेट्रोल डालने वाला बंदा था, एक गाड़ी जो चलाता है मिडिल क्लास बंदा, उसकी आवाज़ थी इसके अंदर कि वो क्या फेस कर रहा है इस टाइम में। सो तगड़ा रैप था, बढ़िया रैप था। और दूसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं, मरियम नवाज़ वर्सेस इमरान खान। रैप बैटल्स बाय सरमद राव, वी हैव इमरान खान वर्सेस Mariam Nawaz. This is gonna be annihilation. Let's go. हाँ मरियम नवाज, क्या मुझसे हो गया तुम्हें प्यार, क्यों जिक्र मेरा ऐसे करते रहती हो हर बार। मैं तुम्हारी पांच से बाहर, मुल्क का सबसे बड़ा स्टार, एक स्माइल पे मेरी लड़कियां गिर जाती हजार। जब देखो जुबान पे तुम्हारी, रहता मेरा नाम, मैं समझ सकता हूँ वैसे चीज ही ऐसी है कप्तान। नहीं मैं किसी का गुलाम, प्यार करती है अवाम, तुम्हें बकते सुबह शाम, जाके करो कोई काम। मेरे देखना छोड़ दो ख्वाब, क्या सोचेंगे वालिद साहब के, ये इमरान तो हमारे लिए बनी गया अजाब। निकाला मुल्क से बाहर, फिर कुर्सी पे डाला हाथ, किया बेइज्जत पे हिसाब, फिर बेटी भी हो गई साथ। हूँ मैं बहुत थैंड, सम ऑफ कोर्स आई नो दैट, जब उठाता था मैं बैट, लड़कियां हो जाती थी फ्लैट। अभी भी वैसे लड़कियों की लगी हुई है लाइन, पर मैं शादीशुदा मर्द हूँ, आई एम लॉयल टू माई वाइफ। असल में तुम शरीफों पे मैं नहीं कर सकता ट्रस्ट, है पैसे की तुम्हें लस्ट, पूरी फैमिली है करप्ट। मुल्क को खा गए मिलके सब,
गरीबों का मार के हक है कंडीशन और भी वर्स डॉलर 200 व्हाट द फक पर मैं भी हूँ इमरान करने दूंगा नहीं आराम बाहर निकलेगी अवाम नीचे आएंगे गुलाम मेरा सबसे ये पैगाम लगा देंगे जी जान वादा करता है कप्तान वापस लेंगे पाकिस्तान सुनो ओ पुठे करो थोड़ा तो लिहाज उम्र हो गई 70 साल कब आओगे तुम बाहर है किस बात का खुद पे नाज कर दिया मुल्क का सत्यानाश अब क्या बोलूं तुम्हें खत्म हो गए अल्फाज मेरे पाक के हम उम्र पैर तुम्हारे इन द कवर करते हो बहुत खुद पे फकर हैव सम शेम मदर तुम्हें अभी नहीं खबर बेइज्जत करूंगी इस कदर फिरते रहोगे दर बदर ऐसा करूंगी मैं हशर कहते हो खुद को हैंडसम जाके अपनी शक्ल देख ट्रंप की तुम नस्ल के ताले पड़ गए अकल पे विकेट सुना दिए वतन के मुल्क चले गए मसल के हुकूमत में ना अब दखल दे चुपचाप यहाँ से निकल ले पागल बनाया लोगों को देख इस्लामिक टच तुम कितने बड़े मुनाफे को सब जान गए है सच पर तुम्हारे अंधे यूथियों की नहीं खुलेगी आँख ना समझेंगे तुम्हारी चाल बंद है इनके दिमाग इकोनॉमी करती फारिग मुल्क को छोड़ दिया ना वारिस करती GDP डिमोलिश फिर कहते हो हुई है साजिश ना आवाम के पास है खाने को ना पैसा है कमाने को जो मुल्क तुमने डुबाया उसे अब हमें बचाने दो यू पीस ऑफ शिट स्कीपर इंडिया के तुम ब्रूट लीकर बस कुर्सी तुम्हें चाहिए ना मुल्क की है फिकर बाकी बन गए हो आजाद छोड़ दो मुल्क की जान खुद हुए तुम नाकाम हमें देते हो इल्जाम ओहो ये भी तगड़ा था शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा था लेकिन लास्ट में जो मरियम नवाज़ ने इसमें रैप किया है बहुत गंदा वाला रैप मरियम नवाज़ की तरफ से इसमें दिखाया है मतलब बोला गया है क्या लिखा है इन्होंने क्या कमाल की लिरिक्स लिखे हैं इन्होंने मतलब हकीकत है जो बोली जाती है इमरान खान का रैप में जो था कि मैं हैंडसम दिखता हूँ और ऐसा है लड़कियाँ अभी भी मुझ पर फिदा हैं जब उठाता था मैं बैट तो लड़कियाँ हो जाती थी फ्लैट इस टाइप के जो लिरिक्स थे एंड अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे जिनकी भी कभी कुछ यूट्यूब से रिलेटेड बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि हाँ इमरान खान कप्तान हैं जो वो अभी भी उतने ही हैंडसम गुड लुकिंग खूबसूरत हैं सो ये अभी भी मानती है पब्लिक लेकिन वो बात अलग है कि शादीशुदा हैं या तो ऐसा नहीं है कि शादीशुदा नहीं भी होते या फिर हैं तो वो कुछ गलत करेंगे सो वो साइड को रखते हैं इस बात को सो अच्छा था इमरान खान की तरफ से रैप और फिर आती है मरियम नवाज़ जो उनको कुछ भी बोलती हैं यूथिए कर मैं भी सुनता हूँ बहुत सारी चीज़ें यूथिए और तुम डोनाल्ड ट्रंप दिखते हो ट्रंप की तरह कुछ ऐसे ही मतलब अंग्रेज़ों की तरह दिखते हो ऐसा कुछ बोला इन्होंने लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कि वो अंग्रेज़ों की तरह दिखते हैं अलावा इन्होंने गालियाँ जो मदर वाली जो गाली थी उसके उसको भी इसमें डालने की कोशिश की और ऐसा मैंने सुना भी है कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों से कि वो गालियाँ भी दी हैं उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है इमरान खान की फैमिली वगैरह को तो बहुत कुछ गलत गलत बोला भी है बूट लेकर जो इंडिया के बारे में बोला है उन्होंने कि इमरान खान तुम हो इंडिया के बूट लेकर मतलब इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं या ऐसे कुछ बयान उनके देखे हैं और फॉरेन पॉलिसी को लेकर अभी रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया था कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया है बहुत अच्छी है तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक ये वाला लिरिक्स जो है ये वाली लाइन्स डाली गई है रैप को आपने इसमें से ज़्यादा इंजॉय किया मैंने दोनों को ही किया पहले वाला ज़्यादा मुझे बेटर लगा मतलब ज़्यादा पसंद आया क्योंकि पेट्रोल प्राइस जो हाई हुए हैं अभी पाकिस्तान में उससे रिलेटेड था ये इस वीडियो में इतना आई होप कि आपको पसंद आया होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो और लाइक करके शेयर करना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बाय बाय टेक केयर साइनिंग ऑफ।